लोकसभा चुनाव आगाज के साथ ही सभी पार्टी चुनावी रंग में आ गई हैं। नेता पूरे ताकत में प्रचार में लग गए हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों जनता से संवाद में लग गए हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने जमुई में चुनावी सभा को संबोधित करने शहर स्थित श्री कृष्ण सिंह स्टेडियम के मैदान में पहुंचे। महागठबंधन प्रत्याशी और RLSP नेता भूदेव चौधरी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। वहीं चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के चौकीदार हैं, तो देश और बिहार की जनता थानेदार है। नीतीश कुमार जी ईमानदार होते तो बीजेपी में कौन मिलता? जो बेईमान है वही ना मिलेगा, जो डर जाएगा वही ना मिलेगा। नहीं तो हम लोग मुख्यमंत्री नहीं होते बीजेपी के साथ मिलकर के, अपना केस मुकदमा नहीं खत्म करा लेते। ईमानदार है इसलिए लीडर ने लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। समय नहीं है तो आप लोग जिताइएगा ना बुद्धदेव जी को, पक्का मेरे साथ एक नारा लगाइएगा पक्का। हम बोलेंगे भाजपा भगाओ तो आप बोलेगा देश बचाओ, ठीक ना? भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। हम बोलेंगे बेरोजगारी हटाओ तो आप बोलेगा आरक्षण। वहीं LJP अध्यक्ष रामविलास पासवान तथा उनके बेटे चिराग पासवान पर भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज भी बाप बेटे आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। साथ ही साथ चिराग पासवान पर आरोप लगाया कि चिराग चाहते हैं कि आरक्षण खत्म हो जाए। पूछना चाहते हैं चिराग जी, आप आपके पिताजी, आपके चाचा जी लोग, चाहे जितने भी सदस्य हैं आपके परिवार के लोग, आप लोग संपूर्ण है, दलित है, लेकिन आप खत्म होने की बात करते हैं आरक्षण को, तो आप आरक्षित सीट से क्यों चुनाव लड़ते हैं? आपको तो लड़ना ही नहीं चाहिए, जाकर जनरल सीट पे चुनाव लड़ दे। ये जो चुनाव है ये कोई व्यक्ति विशेष का चुनाव नहीं है, कोई पार्टी को जिताने का चुनाव नहीं, कोई गठबंधन को जिताने का चुनाव नहीं है। ये जो चुनाव है देश को बचाने का, संविधान को बचाने का, आरक्षण को बचाने का चुनाव है। इसलिए आप लोग सब लोग जानते हैं कि लालू जी को साजिश के तहत जेल इसलिए भेजा गया था। क्यों भेजा गया था? क्योंकि ये भाजपा वाले लोग मोदी जी और पलटू चाचा जानते थे, जानते थे कि अगर लालू जी बाहर रहेंगे तो किसी माइक के लाल में दम नहीं जो हमारे संविधान। ये लोग सब लोग जानते हैं, आज आपका संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। वहीं मंच पर पिता लालू यादव के अंदाज में तेजस्वी यादव ने एक बच्चे को मंच पर बुलाया और आम लोगों से पूछा कि क्या ये बच्चा 13 साल का है, घोटाला कर सकता है क्या? कितना उम्र है इसका? कितना उम्र है? 10 साल तो मेरा 13 साल था, तो समझ जाइए इससे 3 साल और टेंडर क्या होता है? 13 साल टेंडर कैसे होता है? टेंडर कैसे मिलेगा? देखिए आप सब ये घोटाला करेगा, साजिश करेगा, जिसको मूछ नहीं है, खेलने में मन लगता है ना, पढ़ने में कि जाते टेंडर भरने। मंच से जाते जाते तेजस्वी ने एक नारा लगाया, आप भी सुनिए। नीतीश कुमार जी ईमानदार होते तो बीजेपी में कौन मिलता? जो बेईमान है वही ना मिलेगा, जो डर जाएगा वही ना मिलेगा। नहीं तो हम लोग मुख्यमंत्री नहीं होते बीजेपी के साथ मिलकर के, अपना केस मुकदमा नहीं खत्म करा लेते। ईमानदार है इसलिए लीडर ने लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। समय नहीं है तो आप लोग जिताइएगा ना बुद्धदेव जी को, पक्का मेरे साथ एक नारा लगाइएगा पक्का। हम बोलेंगे भाजपा भगाओ तो आप बोलेगा देश बचाओ, ठीक ना? भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। हम बोलेंगे बेरोजगारी हटाओ तो आप बोलेगा आरक्षण बढ़ाओ। आने वाले चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा कि तेजस्वी यादव की मेहनत कितनी रंग लाती है। जमुई से जयप्रकाश कुमार, बिहार तक।